वेलकम स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने फ्री बॉडी डायग्राम का एक एपिसोड और खत्म किया था। अब उसके आगे पिछली बार हमने कंस्ट्रेंट मोशन की थोड़ी सी बात करी थी, जब एक ब्लॉक के साथ एक रस्सी लग गई और पुली भी मूव कर रही है। जब पुली ने साथ में मूव करना शुरू किया तो उसको हम लोग टेक्निकली भाषा में कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक दूसरे को कंस्ट्रेन करता चलने के लिए। तो उसको जरा हम और थोड़ा स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर दो तीन लेवल की स्टडी करेंगे। वैसे इसको आप जितना मर्जी कर लीजिए, अगर बेसिक लेवल आपको समझ आ गया तो आप करना सीख जाएंगे, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक बता दूँ, कम से कम उतने लेवल के जितने जेई और नीट में आते हैं। आइए, ये मेरे पास एक पुली सिस्टम है। अब ये देखिए ध्यान से, यहां पर जो आर टू वाली पुली है वो तो फिक्स है, जिसका रेडियस आर टू है, लेकिन जिसका रेडियस आर वन है वो फिक्स नहीं है, वो मूव करेगी। यदि ए पास में आएगा, यदि ए इस तरफ आएगा तो बी को नीचे जाना पड़ेगा। और इस पुल्ली में तो कम से कम खास तौर पर आप समझ सकते हैं कि ए लेफ्ट पे जा नहीं सकता, तो इसके लिए हमने ए की केस लेना कि एक्स इधर आएगा और ये वाली बॉडी इधर नीचे गिरी है। अब ऐसे समस्त क्वेश्चन में करना क्या है, आपने एक लॉजिक याद रखना है, और वो लॉजिक यह है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, लंबाई नहीं बदल सकती। तो एक हिस्सा कम होगा कहीं पर, दूसरा बढ़ जाएगा। इस हिस्से में हमारे पास पुल्ली की देखिए लेंथ क्या है, हमने नाम रखते हुए हैं एक्स। अगर हम ए से शुरू करते हैं तो ए से एक्स की दूरी, पुल्ली की दूरी, फिर पाई आर टू बाय फोर बाई पाई आर टू बाय टू, क्योंकि टू पाई आर पूरा सर्कल हो तो उसका वन फोर्थ। फिर जो हमारे पास आर वन वाला हिस्सा आ गया, इसमें पाई आर आ गया, इसमें वाई आ गया, इसमें बी आ गया। यहां पर हम टेक्निकली ये समझने की कोशिश करें कौन कौन सी लंबाइयां कभी नहीं बदलनी। जैसे पुल्ली के ऊपर जो रस्सी है इसकी लेंथ नहीं बदलने वाली, मैंने पाई आर टू बाय टू की वैल्यू नहीं बदलने वाली, इसी प्रकार पाई आर वन नहीं बदलने वाला, इसी प्रकार बी नहीं बदलने वाला। तो बाकी फिर खेल रह जाएगा बाकी चीजों के अंदर, क्या क्या कॉन्स्टेंट है उसको हटा दीजिए, जो वेरिएबल बच जाएंगे उसको हम पुल्ली की लेंथ की फॉर्म में ले आएंगे। अब मैंने आपके सामने यहां बना तो दिया, लीगली एथिकली हम लोग यूजली करते क्या है, हम लोग इस लेंथ को बी मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे बस, क्योंकि आर टू आर वन हम लेते नहीं है, क्योंकि इसे बदलना नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आपने लेंथ ले ली, उसके बाद क्या करना, लेंथ ले ली तो आपको पता है लेंथ ऑफ द पुल्ली, उसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने लेंथ ऑफ द रोप को, रोप की लेंथ नहीं बदलने वाली लेकिन एक्स और वाई बदलने वाले हैं, बस वो यूज करते हैं। आइए आपको करके दिखाते हैं। हमसे इसकी पूरी लेंथ आपके सामने ले ली, एक्स प्लस पाई आर टू बाय टू प्लस टू वाई प्लस बी प्लस पाई आर। अब ये तीन टर्म इसमें बदलने वाली नहीं है, ये वाली और ये वाली और ये वाली। तो जिस समय हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखना ये चीजें मेरे काम की नहीं है। आइए, अब मैंने इसको, ये चीजें कांस्टेंट थी, मैंने इनको हटा दिया, क्योंकि आप इसको एल के साथ, यहां एक ये भी टेक्निकली समझ रहे, एल माइनस बी माइनस पाई आर वन माइनस पाई आर टू कर दिया, मैंने वेरिएबल मैंने एक तरफ कर दिए और कांस्टेंट मैंने लेफ्ट साइड पर कर दिए। लिखे नहीं है यहां पर कांस्टेंट, अदरवाइज कांस्टेंट को अगर हम निकालना चाहें तो एल माइनस बी माइनस पाई आर वन माइनस पाई आर टू बाय टू होगा। अब इसको डिफरेंशिएट मैंने कर दिया, अब dl बाई dt विल बी जीरो, ये देखिए, और dx बाई dt को मैंने vx नाम दे दिया और dy बाई dt को मैंने y नाम दे दिया, तो vx प्लस टू vy इसकी वैल्यू आई। ठीक है, एक बार आप डिफरेंशिएट और करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी, ax प्लस टू ay। इसका मतलब जो भी ax की मूवमेंट है, जो भी ax की मूवमेंट है वो ay की मूवमेंट के डबल है। ay मतलब y का जो एक्सेलरेशन होगा, a का उससे डबल है। अब ये मैंने आप में इस बारी पहले केस में मैंने आपको साइन कन्वेंशन नहीं दी, लेकिन अब साइन को देखिएगा, असल में हो क्या रहा है, यहां पर y बढ़ रहा है तो dy by dt पॉजिटिव है, आपको पता है बढ़ रहा है तो मतलब dy by dt पॉजिटिव होगा, तो vy पॉजिटिव होगा, ay पॉजिटिव होगा, लेकिन x तो कम हो रहा है तो dx by dt नेगेटिव होगा,
मने Vx माइनस होगा और Ax माइनस होगा। अगर आप dx by dt का साइन लगा देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस Vx ये बन जाएगा माइनस Vx प्लस 2Vy और ये बनेगा माइनस Ax प्लस 2Ax। तो मैग्नीट्यूड वाइज अच्छा, अगर आपको देसी भाषा में समझना तो मेरा पिछले वीडियो में आपको मैंने देसी भाषा में लेंथ को खींच कर समझाया था कितना कितना होता है, तो यहां पर आप समझ गए मेरा ख्याल। आइए आपको इसका एक और मेथड बताते हैं टेंशन में। बात यह है कि जब तक रस्सी एक है टेंशन सेम है, याद रखिएगा। यह टेंशन इस हिस्से में टी है, यहां पर टी है, यहां पर भी टी है और यहां पर भी टी है। तो मैंने इसका डायग्राम बनाते हुए बताया ये टी है, ये टी है, तो इसके नीचे वाले हिस्से में यहां टू टी है। अब आपके मन में प्रश्न, सर टू टी क्यों है? देखिए, हमने क्या लिया, पुल्ली को आइडल क्या लिया, मासलेस। जो बॉडी मासलेस होगी उसमें नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। इसमें ऊपर वाली फोर्स पुल्ली के डायग्राम में टी और टी, दो टी ऊपर है, एक टी ये है ऊपर और एक टी दूसरा टी ऊपर है, एक ये टी ऊपर है, ये टी ऊपर है, दोनों टी ऊपर है। और नीचे क्या टू टी है, तो टू टी को अगर मैं इसको टी वन, ये तो दोनों टी सेम होने बिकॉज रस्सी एक है, अगर मैं इसको टी डैश लिख भी लेता हूं, मान लो मैं टी डैश लिखता हूं, तो मेरे को पता है टी प्लस टी शुड बी टी डैश। तो बी के लिए मेरे पास टू टी की टेंशन काम कर रही है, ठीक है। अब यहां पर एक और तरीका है इसको निकालने का, वेलोसिटी टेंशन को बनाए, इसको डिफरेंशिएट अगर आपने नहीं भी करना, और वो प्रिंसिपल क्या बताता है उसको हम वर्क पावर एनर्जी में करेंगे बेसिकली पावर कंजम्पशन के ऊपर, वो है टेंशन इनटू वेलोसिटी। अगर समेशन करते हैं टेंशन डॉट वेलोसिटी या टेंशन डॉट एक्सेलरेशन, सबका सम की वैल्यू जीरो होगी। अब यहां देखिए, ये तो ये मैंने इसका निकाला इक्वेशन, जो टी लगी वो क्या आई एम इंटू एक्स, और यहां की इक्वेशन नीचे वाली एम बी जी माइनस टू टी और ये एम बी ए वाई और ए एक्स ए वाई का रिश्ता आप यहां जानते हैं। आप इसी रिश्ते को, ये जो ऊपर वाला रिश्ता है, इसको हम टेंशन के प्रिंसिपल से भी आपके सामने निकालने की बात करती हूं। प्रिंसिपल ये है और ये क्यों है, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होती है, पावर। तो पावर तो बाहर से आप दे नहीं रहे, अपने आप चल रही है, इस वजह से पावर जीरो है। अब यहां देखिए, मैंने इसको लिखा, अब पूरे सिस्टम के लिख रहा हूं। यहां पर देखिए टेंशन इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, माने दोनों के बीच का एंगल जीरो है। टी ए और वेलोसिटी फॉर दी ए, एंगल बीच का जीरो। यहां देखो टेंशन ऊपर है, बी बॉडी के लिए टेंशन ऊपर है पर वेलोसिटी नीचे है, तो बीच के एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। इस वजह से मैंने लिखा 2t, इसमें टेंशन कितनी है 2t, 2t डॉट वी बी। मैंने आपसे कहा डॉट, अब डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं ए डॉट बी, ए बी कॉस सीधा, तो 2t डॉट वी बी माने कॉस 180, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें टेंशन ऊपर है और बॉडी जा रही है नीचे, कॉस कितना होगा 180। इस केस में t भी इधर है, वी बी भी इधर है, सॉरी वी ए भी इधर है, बीच का एंगल जीरो है, हमने लिखा टी ए वी ए कॉस जीरो। अब आप टी टी को उड़ा दीजिए, टू वी बी कॉस जीरो, तो आपके पास इक्वेशन आ गई। मैंने आपसे कहा यहां पर भी अगर आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस प्लस का यही चीज आ जाएगी, और इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट किया तो मेरा आंसर आपके सामने माइनस टू ए बी प्लस ए ए आ गया। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल ध्यान से इसको फिर समझिएगा। एक और ऐसा ही एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं मैं, ये देखिए। अब इसमें भी क्या है, ये वाली पुल्ली मूव कर रही है, तो ये पुल्ली फिक्स है ऊपर वाली, ये पुल्ली मूव करिए। तो अब हम देखिए, हमें पुल्ली की सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लेंथ ढूंढनी है किसी फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास ये येलो वाला सीलिंग होगा, हमने क्या दोनों लेंथ वाले। अब यहां पर ध्यान से आप सोचिए, एक मिनट प्लीज वीडियो को पॉज करके सोचिए, मेरी लेंथ ऑफ पुल्ली क्या होगी कॉन्स्टेंट को छोड़ करके। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स टू, ये लेंथ भी तो बेटा एक्स टू है, हम मैंने कहा ना इसको हम निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज ये कॉन्स्टेंट चीज है, वेरिएशन तो सेम रहेगी। तो एक्स टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन, तो ये मेरे पास वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मासेस मेरे पास क्या है, एम वन एम टू मैंने मान लिया। अब यहां देखिए एल क्या आ गया, अब
इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? आपको मालूम है जीरो, मतलब अब निकालिए जीरो इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू। अब यहां पर मैंने साइन लगा दिया, पिछले वाली क्वेश्चन में आपको साइन लगाया नहीं, पहले समझाया। अब हो क्या रहा है, हमने ये माना कि x1 वाली वैल्यू ये, हमने ये माना जिधर t है उधर ही v है, एंगल जीरो, तो टेंशन इसका ऊपर, मान लो ये ऊपर जा रहा है, हमने एज्यूम किया। अब ये लॉजिकली पता है कि ये ऊपर जाएगा उसको नीचे आना पड़ेगा, तो ये ऊपर गया, मैंने इसमें एक एंगल जीरो मान लिया, तो ऊपर ये चीज, और वैसे भी अगर ये कम हो रहा है तो पॉजिटिव है। अब ये बढ़ेगा, ये कम होगा नेगेटिव है, ये बढ़ेगा पॉजिटिव है। dy बाय dx का प्रिंसिपल जो मैथ्स के कैलकुलस का है, इसी को हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया, एक के रिलेटिव में दूसरा है, समझ गया। इसी चीज को यदि हम टेंशन के प्रिंसिपल से करना चाहें तो पहले हमें टेंशन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। आओ हम इसमें टेंशन का डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है रस्सी यहां से शुरू हुई, ये टी है, ये भी टी रहेगी, ये भी टी रहेगी, लेकिन यहां पर टूटी हो जाएगा, तो इसमें इसमें अब देखो, अगर मैंने इसको ऊपर लिया तो इसको नीचे लेना पड़ेगा, अगर मैंने इसको ऊपर ले लिया तो ध्यान देना, इसको मैंने ऊपर लिया तो टी और वी की डायरेक्शन सेम, लेकिन इस केस में ये ऊपर जाएगा इसको नीचे आना पड़ेगा, माने टू टी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट। अब वो तो सोचने की बात है, यदि मैं इसको नीचे ले लूं इस वाले को तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा। देखिए ये मेरा प्रिंसिपल था, अब इसको देखिए हमने क्या किया, टी ए वन कॉस ए टी, हमने माना कि ये नीचे ये ऊपर, मान लीजिए मैंने इसके से उल्टा मार दिया, ये टी ले लिया, इसमें टू टी ए टू कॉस जीरो, क्योंकि अगर ये नीचे है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ये नीचे इसको ऊपर, वैल्यू क्या आई, ये सब रिलेटिव ही चलेगा। और उसके बाद आप इक्वेशन एम जी माइनस टी जीरो एम ए वाली वो लगा सकते हैं। देखिए इन सब में क्या है, आपको लास्ट में एक्स निकालना है, तो ये तरीके हैं, और कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं, जरूरत पड़ेगी मैं एक दो वीडियो में और कॉम्प्लिकेशन वाले, लेकिन मुझे ये है कि अब इस फ्री बॉडी डायग्राम हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो अब हमें क्या करना है, ये कंस्ट्रेंट हमने थोड़ा बहुत सीख लिया, इसके बाद अगला वीडियो आपको मैं फ्रिक्शन का दूंगा, क्योंकि उसके बाद जो असली क्वेश्चन है वो आएगा, असली से मेरा मतलब है उसमें फ्रिक्शन भी होगी, वेज भी होगा, कंस्ट्रेंट पुली भी हो सकती है, ये तीनों चीजें जुड़ करके हमारे पास बेसिकली अच्छे फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन बनेंगे, जो अगर आपने कर लिए आपको जेई में कोई नहीं पछाड़ सकता, नीट में कोई नहीं पछाड़ सकता, राइट। मैं ये नहीं कहता कि हर बार इस पर प्रश्न आता ही है, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी कुछ हद तक संभलने में, समझने में आसान कर देगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, इसको यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट।